नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन और होल्डिंग और मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल को उनकी किसी भी सहायक इकाइयों और संयुक्त उद्यमों की हिस्सेदारी में विनिवेश या बंद करने की प्रक्रिया की सिफारिश करने के अधिकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने नामसाई जिले का किया दौरा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और राज्य के उद्योग मंत्री तुमके बागरा की मौजूदगी में उन्होंने जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक में आकांक्षित जिला कार्यक्रम की समीक्षा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फ्रांस में कान फिल्म समारोह में भारतीय मंडप का किया उद्घाटन। उन्होंने फिल्मों के सह निर्माण के लिए इंसेंटिव फंड स्कीम की घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय मंडप में भारत को सिनेमा गतिविधियों का वैश्विक केंद्र बनाने पर दिया गया खास ध्यान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधनों का उद्योग जैव ईंधन के उत्पाद के लिए अधिक फीडस्टॉक की अनुमति देना, पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को अगले वर्ष 1 अप्रैल तक आगे बढ़ाना और देश में जैव ईंधन के उत्पाद को बढ़ावा देना है। इसके अलावा संशोधन राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने नए सदस्यों को शामिल करने और विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति देने के लिए भी है। इन संशोधनों में मेक इन इंडिया अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे जैव ईंधन के उत्पाद बढ़ने में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी आएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होल्डिंग और मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल को उनकी किसी भी सहायक इकाइयों और संयुक्त उद्यमियों के हिस्सेदारी के विनिवेश या बंद करने की प्रक्रिया की सिफारिश करने के अधिकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के होल्डिंग और मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विशेष हिस्सेदारी की बिक्री के सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए वैकल्पिक तंत्र को अधिकार देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने आज नामसाई जिले का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और राज्य के उद्योग मंत्री तुमके बागरा की मौजूदगी में उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक में आकांक्षित जिला कार्यक्रम की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लागू की जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता से लागू करने पर जोर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज फ्रांस में कान फिल्म समारोह में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मंडप में भारत को सिनेमा गतिविधियों का वैश्विक केंद्र बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। श्री ठाकुर ने कहा है कि इस वर्ष कान में भारत की उपस्थिति कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि पहली बार भारत के रेड कार्पेट प्रतिनिधित्व देश की सिनेमाई विविधता और उत्कृष्टता का प्रतीक रहा। श्री ठाकुर ने कहा है कि कान फिल्म समारोह में दुनिया भर के भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता को पहचाना गया और भारत सिनेमाई सामग्री के वैश्विक केंद्र बनने की तैयारी में है। At Mahashikhar Film this year, India intends to give the global audience a flavor of the country's cinematic excellence, technological prowess, rich culture and illustrious heritage of storytelling. As you are aware, India and France are making the 75th year of diplomatic relations. This is the 75th year of Cannes Film Festival and 75th year of India and France diplomatic ties. The Indian film industry over the past 110 years has epitomized India's civilization, culture of storytelling, from wall paintings to texts, from television to theaters, and from reels to virtual reality. Hamare paas sirf film industry nahi, hamare paas cinema hai. While reflecting the values, beliefs and experiences of the Indian people, Indian cinema has also showcased their hopes, dreams and achievements. Our government has also embarked on a journey to restore Indian films and preserve them for the future generations. We have started the world's largest film restoration project under the National Film Heritage Mission. As part of this drive,
2,200 movies across languages and will be restored to their former glory. And looking to the future so that the Indian film industry remains ahead of the curve, we have established a task force of the industry leaders to drive the growth of AVGC sector, a value chain which is empowering the cinema of the future. I am delighted to announce that today in Cannes, a incentive scheme for audio-visual co-production and shooting of foreign films in India with a cash incentive of up to 30% with a cap of $260,000 and in the case of foreign films being shot in India, an additional bonus with a cap of $65,000 for employing 15% or more manpower in India. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सामाजिक संगठनों से बच्चों की शिक्षा और युवाओं को मादक पदार्थों की लत से बचाने रखने के महत्वपूर्ण योगदान का आह्वान किया। तवांग में मोनपा जनजाति के सामाजिक संगठन मोनपा मीमांसोकपा की बैठक में वेस्ट कमिंग और तवांग जिले के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की। श्री खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और आजीविका के अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि युवाओं को विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। केंद्र सरकार ने सुरक्षा और भरोसा का माहौल तैयार करने और साइबर सुरक्षा के मामलों के ऑनलाइन समाधान के कई कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा निर्देशकों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का दस्तावेज जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा है कि साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 2019-20 के बीच 809 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की गई। उन्होंने बताया कि बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी, उपकरण और साइबर स्वच्छता केंद्रों के लिए वर्ष 2022-23 में 515 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। श्री चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। If you recall early on when the intermediary guidelines were issued, there were some misgivings about whether this was targeting free speech, etc., etc., etc. And as time has progressed and as facts and events have proven, those rules have played a seminal and a very significant role in the government's objective of making the internet open, keeping the internet open, making it safe and trusted and accountable to all the users. It is equally important to make sure that the internet that today serves 80 crore Indians and will soon serve 120 crore Indians remains safe and trusted. Online safety, online trust and online accountability are important policy objectives of our government. We also have a large number of programs that the government has run through the METI on information security education awareness with an outlay of almost 100 crores that has gone to the essence of ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त आलोक पोतम ने लोगों से प्राकृतिक दुर्घटना का विजुअल शेयर करते हुए स्थान के बारे में सही जानकारी देने को कहा है ताकि राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच सके। उन्होंने कहा है कि कई दिनों से हो रही लगातार बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 5 राहत टीमें गठित की हैं जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। उन्होंने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने और भूस्खलन की सूचना तुरंत जिला प्रशासन को देने की अपील की है। श्री पोतम ने नदियों के किनारे और भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों में रह रहे लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए अस्थायी राहत शिविर में शरण लेने की भी अपील की है। एरिया आसपास का जो है वो हमारा डॉक्टर देबिया कावक है, मेडिकल ऑफिसर, उसका अंदर में सब नर्स और सभी पैरामेडिक्स टीम है। तो इसका साथ में आप कंटेक्ट करने के लिए ये नंबर आप रख सकते हैं 8413930762 में। आप इमीडिएट मेडिकल टीम आपका पास पहुंचने के लिए इस नंबर को कंटेक्ट करिए। तो ऐसे ही जो निर्जुली करशिंगसा लेकी उस एडजेसेंट एरिया के लिए डॉक्टर तिलिंग पामुंग है, मेडिकल ऑफिसर, टीम लीडर रहेगा, उसका साथ 4-5 जन है। तो उसको कंटेक्ट करने के लिए आप 7944752 96। वैसे ही चंद्रनगर, ईटानगर, आर के मिशन,
इसका आसपास का जो टीम का जो लीडर रहेगा डॉक्टर मेनबोम निजी, इसका साथ में नर्सिंग ऑफिसर लोग सब लोग रहेगा, तो आप उसको कॉन्टेक्ट करने के लिए यही नंबर में डायल कीजिए 7085687244। तो यहाँ ऐसे करके अभी चिंपू और गंगा और PHQ एरिया में डॉक्टर किपा जीतू रहेगा, उनका टीम लीडर, तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा 7085747408। ऐसे ही बंदरद्वा PTC दुर्पांग पिचुला एरिया के लिए डॉक्टर दानी आपू रहेगा मेडिकल ऑफिसर टीम लीडर, उनका अंदर में जो ऑफिसर रहेंगे टीम रहेंगे आपका सेवा के लिए उसको कॉन्टेक्ट करिए 8787531009। इसके अलावा आपको हमने दिया है सर्कल ऑफिसर और हमारा वहाँ का जो ये OC पुलिस स्टेशन का OC ईटानगर नाहरलगन और बंदरद्वा, उस नंबर में एनी टाइम आप कॉन्टेक्ट कीजिए। और मेरा नंबर तो आप भी रख लीजिए 9436041997, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है और जो इस वीडियो को देख रहा है इसको जितना वायरल कर सकता है करने स्टिक है, सभी का पास होना चाहिए। राज्य के पर्यावरण और वन विभाग की तरफ से लोहित जिले के कामलांग टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पालतू पशुओं से वन्य जीवों के बीच बीमारियों के संक्रमण के खतरे को कम करना है। इस टीकाकरण अभियान के तहत ग्रामीणों को समय समय पर विभाग द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में सक्रिय योगदान देते हुए पशुओं को बीमारियों से बचाव का टीका लगवाने के लिए जागरूक किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। संग्रहालयों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए हर वर्ष 18 मई को यह दिवस मनाया जाता है। संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। समाज के विकास में संग्रहालयों की अहम भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। इसने हमें कई अज्ञात वस्तुओं और स्थानों के बारे में भी जानकारी मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के हर वर्ष एक विषय विशिष्ट होता है। इस वर्ष का विषय है संग्रहालय की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पहली बार 1977 में आयोजित किया गया था। पेश है रिपोर्ट। लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। संग्रहालयों की विशेषता और उनके महत्व को समझते हुए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने सबसे पहले इस दिन को मनाने पर विचार किया और साल 1977 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का उद्देश्य संग्रहालय को सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बनाना है। इस प्रकार इस विशेष दिवस के रूप में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने से समाज संग्रहालय के महत्व से परिचित होता है और देश की संस्कृति और इतिहास को जानने का। वेस्ट कमिंग जिले के दिरांग में स्थापित राष्ट्रीय पर्वतारोहण और अन्य साहसिक खेल संस्थान निवास में आयोजित 35वां बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स संपन्न हो गया। 2013 में स्थापित इस राष्ट्रीय संस्थान में बुनियादी पर्वतारोहण पाठ्यक्रम, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, निर्देश पाठ्यक्रम की विधि, खोज और बचाव पाठ्यक्रम, बेसिक MTB कोर्स, एडवांस MTB कोर्स, माउंटेन गाइड कोर्स, विशेष भूमि सहायक पाठ्यक्रम, विशेष इक्का साहसिक पाठ्यक्रम, बेसिक और इंटरमीडिएट वाइट वाटर राफ्टिंग कोर्स, बेसिक और एडवांस पैराग्लाइडिंग कोर्स, बेसिक और इंटरमीडिएट पैरा मोटर कोर्स, पर्वतारोहण अभियान पाठ्यक्रम और राफ्टिंग अभियान पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने में यह संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी मुकुंद दास के बारे में। आज की कड़ी में हम देशभक्त कवि मुकुंद दास को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 18 मई 1934 को हुआ था। अपने लेखन के माध्यम से दास ने ग्रामीण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में योगदान दिया। मुकुंद दास का जन्म 22 फरवरी 1878 को मुंशीगंज जिले में हुआ था।
जो अब बांग्लादेश में है। जब वे 7 वर्ष के थे तो उनका परिवार बारिसाल चला गया, जहां वे स्थायी रूप से बस गए। दास अपने पिता से वैष्णव भजन सुनते हुए बड़े हुए और स्वयं भी भजन लिखने और गाने लगे। वे बंगाली शिक्षाविद और देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त के कारण राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुए। दास ने साधु राजनंद ठाकुर से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। अश्विनी कुमार दास ने 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में बारिसाल टाउन हॉल में प्रेरक भाषण दिया। दत्त चाहते थे कि नेताओं के संग पापुमपारे जिले के बोरूम में आज आयोजित उमंग फेस्टिवल में दिव्यांगजनों के ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उमंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्रदान करने और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए की जा रही सरकार की पहल के बारे में भी जागरूक किया जाता है। Among festival celebration, the differently able to create awareness about the face by persons suffering from disabilities in any form and to provide them with other children in healthy and cognizant children environment. Festival, the Among festival, the event was undertaken by Ministry of Culture of India. Festival is part of Government of India. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि COVID-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।